अगर ऐसी होती है तेरे जैसे तो उससे अच्छा है कि ना हो। इस घर में आई हो तो घर की बन के रहना, ये घर मेरा है। तो आप मेरे बारे में जानती हैं? मैं तुम्हारे बारे में वो भी जानती हूँ जो तुम अपने बारे में नहीं जानती। अच्छा, फिर तो बड़ा ही मजा आएगा। आइए ना। आप खड़ी क्यों है? बैठे ना। हाँ, बैठ जाती। बेटा, मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे हो? मेरी तरफ देखो, बात करो मुझसे। हाँ, बात क्यों नहीं करेंगे, बात कीजिए ना। जी मो, कैसे हैं आप? मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं जज सिर्फ कोर्ट में, यहाँ तो बेटा मैं एक माँ हूँ। काफी अच्छा सजाया तुमने अपना कमरा। बीना, यही नाम है ना तुम्हारा? जी, यही नाम है। मुझसे पूछा ना इन्होंने, तो मैंने बता दिया, तो क्या हो गया? कितने साल हुए हैं शादी को? जितने भी हुए हो, पर अधूरे ही लगते हैं। क्यों? इस क्यों का जवाब तो बहुत सारे हॉस्पिटल में ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। काश उस दिन तालाब में स्नान कर लेती। तालाब में स्नान कर लिया होता? मतलब? सासू माँ ने कहा था कि अगर कोई भी बहू कार्तिक पूर्णिमासी की रात चंद्रमा के सामने चार बार ठंडे पानी में स्नान कर ले तो उसके पति की सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। ऐसा कभी होता है भला? माँ तो यही मानती, पर मैंने तो मना कर दिया स्नान करने। अच्छा किया, ये काम ही नहीं ना है ही ऐसे। पर है बहुत अच्छी। बेटा, पूरा बिजनेस तुम ही संभालते हो? जी, और कौन संभालेगा? देव तो अपनी धुन में घूमता रहता है, कभी इधर कभी उधर। और वीरेन भैया, उनको तो सारा दिन शराब पीने से फुर्सत ही नहीं। तो वीरेन बिजनेस नहीं संभालते? नहीं, यही संभालते हैं। इनके अलावा है भी कौन जो बिजनेस संभाले? अब मैं आ गई हूं ना। बिजनेस का बी भी बहुत ही सोच समझ के पढ़ना बेटा। मैं कुछ समझा नहीं। समझाती बेटा, अकाउंट्स में कभी सिंगल एंट्री नहीं होती। अगर डेबिट होता है तो क्रेडिट भी होता है। जिंदगी भी बिल्कुल ही नहीं अकाउंट्स की तरह। जो करोगे, जैसा करो, वैसा ही भरोगे। समझ गए? लेकिन अगर सिंगल एंट्री हो जाए तो? रिकंसिलिएशन में दिक्कत होगी, बैलेंस शीट बनेगी ही नहीं। और अगर बैलेंस शीट नहीं बनी तो अकाउंट्स दिखाओ कैसे? जेबी, मतलब जनरल वाउचर डालकर। जेबी डालने का मतलब यही हुआ कि आपने सिंगल एंट्री को डबल कर। मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं उड़ती हुई चिड़िया के पर गिन लेती हूँ। गिनना शुरू कर दिया है पीना बहू।
अगर जज ना होती ना, वैसे खड़ी खोटी सुनाता कि याद रखती मुझे अकाउंट सिखा ली। इस घर से उनकी एंट्री बैन ना कर दी तो मेरा नाम भी जितेंद्र सिंह चौधरी ने। नहीं, उन्होंने जो कहा आप समझे ही नहीं। मैं नहीं समझा, क्या बात कर रही हो तुम? उनका एरोगेंस उनके फेस पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो एरोगेंस नहीं, पर्सनालिटी है। आपने देखा नहीं क्या स्टाइल से बात कहती हैं वो अपनी? अगर इन्हें अपने साथ मिला लिया जाए तो। ओ, तुम इस सुर में सोचो, लेकिन मैंने मां कभी नहीं कह सकता। जरूरत पड़े तो कह देना, पुरानी कहावत है वक्त पड़ने पर गधी को मां बनाना पड़ता है। अगर वक्त पड़ने पर गधी को मां बनाना पड़े तो इसमें हर्ज ही क्या है? कोई प्रार्थना बेटा, कुछ अंदाजा भी है आपको कि आपने यहां पे आके क्या कर दिया है? अरे ऐसा क्या कर दिया है मैंने? कुछ भी तो नहीं, अभी अभी तो आई हूं। मॉम, आपने मुझे और वीरेन भैया हम दोनों को गुनेगार साबित कर दिया है। मैंने किसी को गुनेगार साबित नहीं किया। थिंक पॉजिटिव बेटा। थिंक पॉजिटिव? व्हाट डू यू मीन मॉम? ये इस तरह के डायलॉग बोलने का टाइम है क्या? दिस इज नॉट दैट टाइप ऑफ सिचुएशन कि जहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव की बात की जाए। दिस इज समथिंग डिफरेंट। आप एक माँ की लाइफ में फोर्सफुली एंटर कर रही हैं। मैं किसी के लाइफ में फोर्सफुली एंटर नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं अपनी लाइफ में री एंटर कर रही हूँ। ऐसे क्यों नहीं सोचती कि तुम्हारी माँ अपने घर आई? नो मॉम, ये घर वीरेन भैया का है। आप इसे अपनी ईगो भरी ममता से उनसे मत छीनिए। मैं उससे क्यों छीनूंगी कुछ? वीरेन मेरा बेटा है। इनफैक्ट मैं तो उसे वो देने आई हूँ जो मैंने उसे छीन दिया। नहीं चाहिए उन्हें ये सब। Why don't you understand, mom? उन्हें कामनी माँ के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। जरा सोचो बेटा, तुम यहाँ, तुम्हारे डैड यहाँ, वीरेन यहाँ और मैं वहाँ अकेली। तो पहले भी तो रहती थी? रहती थी, इसलिए कहा था तुझसे ना, मेरी आखिरी विश समझना। और ये आपका ड्रामा भी तो हो सकता है ना मॉम? हाउ डेयर यू, अपनी माँ से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? अब जानना चाहती हो तो सुनो, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई, मुझे फोन करके बुलाया गया। वीरेन बेटा, खबरदार, खबरदार जो मुझसे बात करने की कोशिश की। ऐसे क्यों कह रहे हो बेटा? मैं तेरा बेटा नहीं हूं, तू क्यों मुझे बार बार बेटा बुलाती है? है? समझती नहीं है तू इस बात को? मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है, कोई सफाई नहीं चाहिए मुझे। वीरेन भैया, ऐसे क्यों बोल रहे हो? माँ ने ही मॉम को यहां रहने के लिए बुलाया है। उन्होंने ही फोन किया था। जानता हूं, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। वो है ही ऐसे। अरे मेरी माँ का दिल बहुत बड़ा है, बहुत महान है वो।
अगर उसके दिल को भगवान भी पढ़ना चाहे ना तो भी नहीं पढ़ सकते। पर मैंने पढ़ा है। तू जानती है इसे इस घर में क्यों बुलाया है? तेरी और मेरी खुशी के लिए। तू इस बात को समझ नहीं रही है। समझती हूं लेकिन आप ही सोचिए इसमें मॉम की क्या गलती है? अरे इसी की तो गलती है, सिर्फ इसी की गलती है और किसी की नहीं। विवेक बेटा, मैंने कहा ना तुझसे, मुझसे बात करने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। और हां, समझा दे अपनी मां को, अगर उसे इस घर में रहना है तो नजरें नीची करके रहना होगा। अगर मेरी मां को जरा सी भी तकलीफ दी ना इसने, कतई बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं। समझा दे। वीरेण ऐसा ही है सुहास, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हुए। नहीं कामिनी, बिना सोचे समझे नहीं, बल्कि वो अच्छी तरह से जानता है कि वो क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है। अच्छा ये बताओ, वीरेण को तो इंजीनियर बनना था ना, फिर? मैंने और वीरेण के बहूजी ने कोशिश तो बथेरी की, इंजीनियर ना बना पाए। पता नहीं उसे इतना शौक ही नहीं था पढ़ाई करने का। बहुत मानता है तुम्हें, बहुत प्यार करता है तुमसे। तुमने उसे मेरे बारे में कभी नहीं बताया? छोटा था तो जरूरत ना पड़ी उसे बताने की, और बड़ा हुआ तो मैंने बताना मुनासिब ना समझा। क्यों? डर, डर समा जाता था मेरे दिल में। डर? किस बात का डर? इस बात का डर सुहास कि तेरे बारे में बता दूंगी तो फिर बार बार तेरे बारे में पूछेगा, के बताऊंगी उसे, कहां लेके जाऊंगी मिलाने के लिए अगर मिलने की जिद करेगा। और जब बड़ा हुआ तो इस बात का डर के तेरे बारे में पता चला तो कहीं सब कुछ छोड़ छाड़ के ना चला जाए। बस उसे खोने के डर ने तेरे बारे में बताने ना दिया, मैं चुप ही रही। बड़ी स्वार्थी निकली थी। स्वार्थी? मैं? जतू, मेरी तो रहने थी, पर तुम तो जानते थी ना कि मैं कहां रहती, कितनी दूर है दिल्ली यहां से। कभी ले आती उससे मुझसे मिलने, कम से कम एक झलक तो देख लेती अपने बेटे की। एक झलक? मैं तन्ने भी तो पता था तेरा छोरा कहां है, किसके पास है, दिल्ली दूरी कितनी है। तू ना आ सकती थी उसकी एक झलक देखने के लिए? हाँ? हाँ, पर अब नहीं है, मैं आ गई। खैर जाने तो। ये बताओ कि बचपन में मेरे वीरेन ने तुझे बहुत तंग किया था? ना ना, बहुत तंग तो ना किया, बस इतना ही था कि अपने निक्कर में 10-15 बार सुसु कर देता था। वाह, क्या सीन है। सौतने हो तो ऐसी दीना बहू। माँ जी आप चुप, बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें।
सौतने हो तो ऐसी। न के मतबल तेरा? मतलब क्या? मजा आ गया आप दोनों को ऐसा हंसता हुआ देखकर। ऐसा लगता है कि दोनों की कोई प्लानिंग थी। वैसे ये सच भी है या नहीं कि जेठ जी इनके बेटे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि दाल में कुछ काला हो? चुप रह वीना बहू। काहे की बहू, मुझे तो पूरा घर नाटक मंडली ही नजर आती है, जिसे देखो घड़ियाली आंसू बहाता रहता है। और जब कुछ ठीक हो जाए तो दांत फाड़ फाड़ कर हंसा जाता है। वीना बहू, माँ जी आप चुप, बिल्कुल चुप। बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? लाल शर्म बेच खाई है क्या? मैंने लाल शर्म बेच खाई है या? चुप, बोला ना मैंने? बहुत बड़ी भूल हो गई जो तन्ने बहू बना के घर में ली। तो क्यों लाए मुझे इस घर में बहू बनाकर? नहीं लाती, मेरी गलती है जो मैं इस घर में बहू बनकर आई। ये बहुएं ऐसी होती हैं? क्या हुआ? देख क्या हुआ तुम्हें, अब क्या करके आई हो? अरे कुछ बताओगी या रोती रहोगी? वीना, अब किससे झगड़ा हुआ? उस प्रार्थना से? अब किसी ने कुछ कहा तुमसे? वैसे रोते हुए बुरी नहीं लग रही? हाँ हाँ, अब तो आपको मैं रोती हुई अच्छी लगूंगी। पूछोगे भी नहीं कि क्या हुआ? अरे कमाल कर रही हो, कब से तो पूछ रहा हुआ क्या? अब मजाक छोड़ो, बताओ हुआ क्या? मैं मजाक कर रही हूँ। नहीं, मैं कर रही हूँ। आपको मेरा रोना मजाक लग रहा है? अरे नहीं वीना, तो ये बताओ हुआ क्या? होता क्या था, सासू माँ और वो दूसरी सासू माँ दोनों बात कर रही थी आपस में, मैं वहाँ पहुंची और मैंने भी अपनी बात रख दी। तो क्या, मैंने कुछ बुरा थोड़े ही ना कहा था। लेकिन तुमने कहा क्या? नहीं, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? और कैसे पूछू, बताओ तुमने कहा क्या? मैंने देखा कि दोनों सासू माँ इतना हंस हंस के बात कर रही थी कि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ। ऐसा लगा कि जैसे मेरे सपनों का महल टूट रहा है। फिर क्या, मैंने भी कह दिया कि जिसका बेटा शराबी आवारा बदतमीज हो। फिर क्या हुआ, मुझे तो कुछ बोलने ही नहीं दिया और सासू माँ ने मुझे थप्पड़ मार दिया। आप तो जज है ना, ये सब कैसे मैनेज कर लेती? क्या मैनेज कर लेती? कोर्ट कचहरी, फैमिली। हो गया और वो भी वो दूसरी सासू माँ के सामने। और आप पूछ रहे हो कि हुआ क्या है? क्या जरूरत है तुम्हें ये सब कहने की? तुम्हें पता तो है कि वीरेंद्र दोनों का बेटा है,
तुम्हारी जुबान भी ना बंद नहीं रहती, कुछ ना कुछ उगलती ही रहती है। हाँ हाँ, अब तो आप भी मुझे ही बुरा कहोगे ना, आखिर हो तो आप भी उनके ही बेटे ना। ओहो वीना, तुम भी ना। अब सुनो, तुम ये रोना धोना छोड़ो और आगे सोचो करना क्या। अब मैं क्या सोचूं, आपको तो मेरी इस तरह भी परवाह नहीं है। वीना, अरे वीना, अरे वीना, अरे सुनो तो सही, अपनी लुगाई की हिमायत कर रहे हैं। नहीं मां, मैं कोई हिमायत करने नहीं आया हूं। इनफैक्ट मैंने तो वीना को कहा कि तुमने जरूर कोई गलती की होगी, वरना थप्पड़ कैसे मार सकती। तो जज है ना, ये सब कैसे मैनेज कर लेती है? क्या मैनेज कर लेती है? सब कुछ, कोर्ट कचहरी, फैमिली। आपका तो काफी ऊंचा स्टेटस है ना सोसाइटी में। वो तो है, पर इससे क्या फर्क पड़ता है? क्यों रजिते, बड़ी बदली बदली बातें करने लग रहा था। और दूसरी बात, अपनी लुगाई ने कुछ सिखाया ना तेरे कि बड़ों से कैसे बात की जाए। अरे बदतमीजी से बात करे, जुबान से कुछ भी उगल दे। माँ छोड़ना उसको, उसकी क्या सुनो, वो तो यही कह रही थी कि मेरी इस घर में किसी को भी परवाह नहीं है। ना उसकी परवाह हमें ना है, उसे किसी की परवाह ना है। मां छोड़ो ना उसकी बात को। मां ये क्या कर दिया छोरी, ते मेरी सारी पार्लियामेंट गिरा दी। पार्लियामेंट? अरे एक एक दाने के साथ 10-10 साल की योजना बनाने लग रहा था मैं। बापू यहाँ मेरी पूरी जिंदगी पे रोक लग गई है और आपको मजाक सोच रहा है।